पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते पूरा उत्तर भारत ठंड की आगोश में सिमट गया है। यदि बात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की करें तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने के साथ साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है। वहीं नगर आयुक्त विजय कुमार ने बताया कि देहरादून में रैन बसेरों में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं एक और ISBT रेलवे स्टेशन दून अस्पताल परेड ग्राउंड के आसपास रह रहे लोग रैन बसेरों में शरण ले सकते हैं। वहीं कल जिलाधिकारी ने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण कर सभी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 4 रेन बसेरे जो है वो निर्मित किए जा चुके, संचालित किए जा रहे हैं। उसमें से 2 रेन बसेरे जो हैं, जो एक लाल पुल के पास बना हुआ है और एक चूना भट्टा में बना हुआ है, वो नगर निगम ने बनाया गया है और संचालन भी नगर निगम कर रहा है। उसके अतिरिक्त जो दूसरे रेन बसेरे हैं, जिसमें एक घंटाघर के पास चुखुवाला में बना हुआ है और दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया गया है, जो कि MDT के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इसका निरीक्षण कल हम लोगों ने किया था। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। उसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि समस्त रैन बसेरों में साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए, उसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए जो कि उसका निरीक्षण प्रतिदिन के रूप में करता रहे। साथ में वहाँ पे अलाव की भी व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे ताकि आने वालों को दिक्कत ना रहे। और साथ में जो हमारे रैन बसेरों की जानकारी है, इसको एक फलक के माध्यम से इसको जो है रेलवे स्टेशन, ISBT, बस अड्डे या अस्पताल, जहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था या जरूरत महसूस होती है, वहाँ पे भी लगाया जाए ताकि आवश्यकता अनुरूप वो लोग वहाँ से आके रेलवे स्टेशन में अपने लिए वहाँ पे अपनी रात को ये गुजर कर पाए।